What is up crazy people out there? This is Abhirup. Welcome to the vlog. तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नया है. बेसिकली ये एक रेस्क्यू वीडियो ही है, पर आज हम वीडियो के अंदर देखने जाने वाले हैं एक माँ का प्यार क्या होता है और नेचर कितना डिवाइन है, कितना मैजिकल है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसके बारे में. तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो वीडियो को प्लीज़ पूरी देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा सही होने वाला है. और गिव अवे तो चल रहा है, तो आपको पता है जो क्राइटेरिया है. जिन लोगों को नहीं पता है वो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो मैं क्राइटेरिया भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहले लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो. ऑलराइट गाइस, तो जो आज की वीडियो है वो होने वाली है एक मंकी रेस्क्यू के ऊपर. तो बेसिकली क्या हुआ कि एक यूजुअल सा सिचुएशन ही था. एक कॉल आया है और कॉल आने के बाद समझा कि वहाँ पे एक मंकी है जो इंजर्ड हो गया है और वो गिर गया है. बेसिकली रेस्क्यू के ऊपर मैं खुद नहीं जा पाया था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अलग रेस्क्यू पे था. तो इस रेस्क्यू में मेरे कुछ टीममेट्स पहुंचे और जो वॉलेंटियर्स है, जो टीममेट्स है वहाँ पे पहुंचे. वो लोग ने उस बंदर को रेस्क्यू किया. वो एक फीमेल मकैक थी, एक रेसिस मकैक जिसे हम बोलते हैं. बहुत ज़्यादा कॉमन स्पीसीज है बंदरों की. और वो एक फ़ीमेल बंदर थी और उसके पास एक बच्चा था. पर वो जो फीमेल बंदर थी वो बुरी तरीके से अनकॉन्शियस थी, मतलब वो लेट गई थी और उसे शुद्ध नहीं था, वो आँख नहीं खोल पा रही थी, वो पूरी अनकॉन्शियस थी. तो उसे जल्द से जल्द उठाया गया वहाँ से और फटाफट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके चले गए. पर उसके पास एक बहुत ज़्यादा छोटा सा बेबी था, मतलब एक महीने भर का ही बेबी था, इतना सा ही था, बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत ज़्यादा क्यूट था. तो बेबी तो फिलहाल थोड़ा सा डर गया और वो उसके डैड और उसके और 2-3 फैमिली मेम्बर्स थे उनके पास जाके, उन लोग के साथ जाके वो बैठ गया. पर हम लोग ने उसके ऊपर फ़िलहाल उतना फोकस नहीं किया क्योंकि दूसरे बंदर भी वहाँ पे थे. तो हम लोग ने सोचा कि पहले इसकी जान बचानी चाहिए. तो हम लोग ने उसे फटाक से ले लिया साथ में और लेके चले गए हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के अंदर समझा कि उसको थोड़े से पेट के अंदर पॉइजनिंग हो गई थी और थोड़ी डिहाइड्रेटेड थी. इतनी ज़्यादा कुछ बड़ी इशू नहीं था. उसको कुछ डोज देने के बाद, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद वो बंदर नॉर्मलाइज हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठीक हो गई थी. 2 दिन उसने हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन रेस्ट किया. और मेन डे जो था वो था रिलीज़ का पार्ट. उस डे पे मैं प्रेजेंट था क्योंकि क्योंकि रिलीज़ के टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती है क्योंकि ये एक अलग और थोड़ा ड्रामेटिक रिलीज़ था. क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को उसी प्लेस में उसको रिलीज़ करना था जहाँ पे उसकी फैमिली थी या जहाँ पे उसका ट्रूप था. तो हम लोग निकल पड़े. यस, अगली वीडियो तो आप अभी देखो कैसा रिलीज़ हुआ, क्या हुआ. और यस, वीडियो पूरी देखना. और वीडियो के लास्ट के अंदर मैं गिव अवे का क्राइटेरिया वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता है. तो यस, वीडियो पूरी देखो. सो दिस इज दिस फीमेल यू नो फाउंड डिहाइड्रेटेड अगेन. तो इसका एक बेबी है, ये एक्चुअली फेंट होके गिर गई थी और इसका बहुत ज़्यादा छोटा बेबी है. ज़्यादा कुछ किया तो नहीं, इंजरीज नहीं थी, मल्टीविटामिन दिए हैं डॉक्टर ने. और ले अभी जाएंगे इसको रिलीज़ करने को. तो वही मेक श्योर कर रहे हो उसके अंदर प्रॉपर एनर्जी रहे. उसने फ्रूट्स खाए है, थोड़े वाटरमेलन खा रहा है बहुत अच्छे से क्योंकि यस बंदर आने के बाद हमारे सब लोग बंदर हो गए. ऑलराइट फैम, तो अभी हम लोग तीनों लोग और जहाँ से उसको रेस्क्यू किया था, बेसिकली वो एक टाटा का प्लांट है. यस, टाटा कंपनी जो है उसका प्लांट है और वहाँ पे हम लोग उसको वापस रिलोकेट करने जा रहे हैं बिकॉज उसका एक बेबी है वहाँ पे और एक फीमेल बंदर है. तो यार लेट्स जस्ट गो चेक, देखते हैं कैसा होता है और उसकी रिएक्शन नोट करते हैं उसके बेबी की क्योंकि इट्स बिन 2 days कि वो उसके साथ में नहीं है. और या देखते हैं कैसा होता है. प्लांट से प्लांट में गिर गया था ना, उसका इलाज करके वापस लेके जा रहे हैं छोड़ने. किधर छोड़ेगा? तो ये उसका डैड है और वो छोटा सा बेबी उसका बच्चा है, वो फीमेल का. तो व्हाट विल डू इज, हम लोग यहाँ पे केज रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा खाना रखते हैं जैसे कि वो लोग भी आए और फिर वो आने के बाद हम लोग उसको ओपन कर देते हैं. ठीक है, बहुत छोटा है। देखो एक बाप का प्यार अपने बच्चे की ओर। हम लोग हमेशा फादर को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं बहुत सारी जगहों पे। हमेशा मतलब बहुत सारी जगह पे हम लोग बस माँ के प्यार के बारे में ही ज़्यादा बात होती है, और बाप का प्यार क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको अभी दिख रहा है। अनब्रेकेबल, अनरियल, ब्यूटीफुल, दिस इज़ व्हाट नेचर इज़, वेरी ब्यूटीफुल। आजा खाना लेके जा रहे हैं उसके लिए। थोड़ा दूर रख, मतलब हाँ धूप में रख। हाँ आ जा, ये वो लेके बैठा क्या? हाँ वो लेके बैठा है। हाँ मेल है। That's the baby, that's the male। उसका बच्चा है, देखो कितना छोटा सा है, बहुत छोटा है ना, देखो ना कितना। और इसका फीमेल बेबी अभी खा रहा है। काटेगा कैसा रिलीज? थोड़ा सब लोग थोड़ा ना जगह बना के रखो, क्योंकि वो वापस भी रिटर्न भी आ सकता है, ठीक है। अपने अपनी जान बचा सकते हो, थोड़ा सा सेफ हो सकते हो, उतनी जगह बना के रखो। थोड़ा यहाँ पे ये हो जाए, ठीक है, आ सकता है सर। ले लिया हम सर, ले लिया, डन डन, यस यस सर, यस। बाय बाय, श्री राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, भगवान भगवान श्री राम के सेना में थे। यस सर। एंड सक्सेसफुल है कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा सही सीन हो गया है। सिद्धार्थ भाई, दीपक भाई थे, अक्षय भाई है। रेस्क्यू के टाइम मैं नहीं था, डॉक्टर का ट्रीटमेंट वगैरह भाई लोग ने किया। रिलीज़ के टाइम आना था क्योंकि थोड़ा स्केड्यूल करना रहता है कैसे क्या, पर बहुत स्मूथली रिलीज़ हो गई वो और बहुत अच्छा काम हो गया है कि नहीं, कैसा लगा? चलो आगे मिलता हूँ। ऑलराइट फैम, तो आप लोग ने देखा कि ये वीडियो कैसी थी और कितना ग्रेट होता है नेचर, कितनी ग्रेट होते हैं मॉम डैड, कितने ग्रेट होते हैं पेरेंट्स, कोई भी स्पीसीज के रहने दो, कितने ज़्यादा ग्रेट होते हैं दोनों भी। तो यस, यही थी छोटी सी रिलीज़ वीडियो। हम लोग को इस रिलीज़ के अंदर, इस रिश्व के अंदर बहुत अच्छा वाला सक्सेस हुआ और मेन मोटिव यही था कि यार वो बेबी को वो कैसे अडाप्ट करता है, 2 दिन तक कैसे सर्वाइव करता है। पर लकीली वो उसके डैड के साथ सर्वाइव हो गया था, उसके डैड ने उसकी थोड़ी सी टेक केयर कर ली थी। पर डैड जितनी केयर, मतलब मॉम जितनी केयर डैड नहीं कर पाता था फूड वगैरह एंड, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग पे था मंकी। और बाकी का तो आप सब लोग के सामने था रिजल्ट्स क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोग सब लोग ने उसे देखा कि कितना ज़्यादा मैजिकल और कितना ज़्यादा बढ़िया एडोरेबल सा ये सिचुएशन था। तो येस, इट वॉज अ ऑनर कि हम लोग ने उसे प्रॉपर्ली रेस्क्यू किया और प्रॉपर्ली रिलीज़ भी कर दिया। बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि अरे आपने उसको उस फैक्ट्री के अंदर या वो इंडस्ट्री के अंदर क्यों रिलीज़ किया। तो बेसिकली ये जो मंकीज़ है वो जो प्लांट जहाँ पे बेस है उसके बाजू में एक बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट है और वहाँ से ये मंकी कभी कभार माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं खेलने कूदने को, या यू नो कभी कभार फ्रूट या पानी की तलाश में आ जाते हैं। तो इसी ही लिए हमें उसके उनके ग्रुप के साथ ही रिलीज़ करना था। तो यस, आई गेस उससे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी या एक प्रॉपर सिनेरियो कोई और नहीं हो सकता था। हम लोग ने उसे उसके ग्रुप के अंदर ही रिलीज़ किया और विच वॉज़ वेरी ग्रेट। तो हम लोग 300K के ऊपर एक गिव अवे प्लान किए हैं जिसका क्राइटेरिया मैंने पहले ही एक्सप्लेन करके रखा है। वी आर वेरी क्लोज टू गिव अवे। तो भी मैं एक और बार आप सभी को क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको कौन सी भी वीडियो जो मेरे चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा पसंद आती है आप लोगों को, वो आप अपने इंस्टाग्राम या आपके व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दो। और वाइल शेयरिंग यू कैन श्योरली टैग मी। आपको मुझे टैग करना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो आप मुझे टैग करो, अगर आप टैग नहीं कर सकते आप मुझे स्क्रीनशॉट करके DM में सेंड कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल या कोई भी एनिमल का आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ऑफिस नंबर गिवन बिलो। येस, वो मेरे ऑफिस का नंबर है, मेरा खुद का नंबर नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसा प्रैंक या स्पैम कॉल मत करना कि हमें भैया से बात करनी है। मुझे पता है आप सबको मुझसे बात करनी होती है या मिलना होता है। अगर किसी को ऐसी पर्सनली बात करनी है तो प्लीज़ DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ आप सबको रिप्लाई करने की, पर रेस्क्यूज़ अगर होते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिचुएशन। पर मैं मेरा लेवल बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आप सभी लोग से मैं बात करूँ या आप सभी लोग के साथ मैं कॉन्टैक्ट में आ जाऊँ। तो येस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। कुछ भी रहेगा तो फटाफट फॉलो करना नहीं बोला इंस्टाग्राम के ऊपर। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा या घुमा दीजिए वीडियो को, वायरल कर दीजिए। ये जो नेचर का बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस है, आपके कलीग, आपके फ्रेंड, आपके फैमिलीज सब लोग तलक पहुँचा दीजिए। और या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, दिस इज अभिरूप साइनिंग आउट।